A गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू you. डॉक्टर अनजीता एंड यू ऑल आर वेलकम टू स्टडी आई क्यू आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास टेन साइंस एन सी आर टी के चैप्टर नंबर फोर्टीन के बारे में इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द एनर्जी सोर्सेज सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड अगर आप लोगों का कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ई मेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं दिस इज़ माई इंस्टाग्राम लिंक और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है अगर आप चाहते हैं इन्हीं सभी चैप्टर्स से जुड़े हुए पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं क्लास सिक्स सेवन एट और नाइन साइंस एन के लेक्चर्स को भी देखना तो उन सब का लिंक भी इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया गया है जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो कृपया मेरे नाम की स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट द एनर्जी सोर्सेज के बारे में फर्स्ट पार्ट में हमने बात किया था कि एनर्जी जो है फ्यूल से हमें मिलती है फ्यूल एक अच्छा फ्यूल जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए हमने बात किया था कि एनर्जी कंजर्वेशन की बात करने की बात ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है हमने बात किया था फिर फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हमने थर्मल पावर प्लांट की वर्किंग के बारे में देखा हाइड्रो पावर प्लांट की वर्किंग के बारे में देखा हमने बात किया कि डायनमो जो है वो किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है फिर इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने बात किया अबाउट द बायोमास हमने ये बात किया कि किस तरीके से हम जो अपने कन्वेंशनल जो फ्यूल है उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं हम अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे उसी उसी फ्यूल जिसको हम कन्वेंशनली यूज़ कर रहे थे वो हमें ज़्यादा बेटर तरीके से एनर्जी प्रोवाइड कर पाए फिर हमने बात किया था अबाउट विंड एनर्जी विंड एनर्जी के बारे में हमने बात किया कि विंड एनर्जी किस तरीके से एनर्जी जनरेट करती है विंड मिल्स जो होती हैं वो किस तरीके से एनर्जी का जनरेशन करती हैं फिर हम हमने ये भी बात किया था कि ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ़ एनर्जी क्या होते हैं ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ती है वो इसलिए हमें पड़ती है ताकि हमारी जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है राइट right? तो फर्स्ट ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सोलर एनर्जी जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो सोलर एनर्जी क्या होती है एज अ नेम सजेस्ट सोलर एनर्जी हम सन की एनर्जी को सन से जो है वो एनर्जी डिराइव कर रहे हैं तो सन से हम लोग किस तरीके से एनर्जी डिराइव कर पाएंगे सन की जो एनर्जी है उसको हम कैप्चर करेंगे अब कैप्चर करने के लिए हमें कोई तो डिवाइस चाहिए सन की एनर्जी धूप के फॉर्म में हमारे पास आ रही है सोलर एनर्जी उसको तो हमें किसी ना किसी फॉर्म में उसको स्टोर करना पड़ेगा और उसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा ठीक है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं हम मोस्टली तो क्या हो रहा है सन क्या करता है सन जो क्या करता है सन हैज़ बीन रेडिएटिंग द एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी अच्छा ये मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ हमारी अर्थ पर जितनी भी एनर्जी है या हमारी अर्थ पे जितना भी लाइफ पॉसिबल है या हमारी अर्थ खुद पॉसिबल है दैट इज़ बिकॉज ऑफ सन हम जो है सोलर सिस्टम का पार्ट है हम अगर किसी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं तो वो सन है सन के अट्रैक्शन में सन के जो पुल है उसकी वजह से हम यहाँ पे रुक रुके हुए हैं इस यूनिवर्स में सन ने हमारे को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है सन इज़ आर स्टार हम उसके प्लैनट हैं वन ऑफ द प्लानट हम उसके वन ऑफ द प्लानट हैं अर्थ जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल हो पाई है सो वी आर अंडर द अट्रैक्शन ऑफ सन सो सन इज द ओनली एंड ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ अर्थ के ऊपर किसी भी तरीके की सोर्स ऑफ एनर्जी है चाहे वो पानी है चाहे वो हवा है चाहे कोयला है चाहे पेट्रोल है चाहे न्यूक्लियर फ्यूअल है उस सब का सोर्स कौन है चाहे सोना है आप जो चाहे कोई ये कहता है कि भाई आ, कुछ अलग तरीके के जो एटम्स है वो हमारे अर्थ पर जो है अर्थ की उत्पत्ति के साथ मौजूद नहीं थे वो बाद में हमारी अर्थ पर आए इन फॉर्म ऑफ मेट्रॉइट और कुछ उल्कापिंड पिंड हमारी अर्थ के ऊपर गिर गए यस आई एग्री ट्रू बट वो उल्का पिंड हमारी अर्थ पर कैसे गिरे वो कौन से उल्का हैं वो वही हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है तो अल्टीमेटली व्हाट आई वॉन्ट टू से इज हमारी अर्थ के ऊपर सोर्स ऑफ एनर्जी एवरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज़ अल्टीमेटली द सन ओके okay, सन ही हमारे अर्थ को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है उसी की वजह से वो घूमती है उसी की वजह से उसके अंदर सॉर्टिंग हुई उसी की वजह से उस पर पानी है हवा है हम है राइट right? तो अब बात हो रही है हमारे को वो अर्थ जो सन दे रहा है पाँच बिलियन इयर्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पाँच बिलियन ईयर्स हो चुके हैं फोर पॉइंट फाइव बिलियन ईयर्स से ज़्यादा हो चुका है ना हमें रफली कैलकुलेट किया है वो भी फोर पॉइंट फाइव बिलियन ईयर्स वी आर नॉट श्योर अबाउट इट तो ये पाँच बिलियन ईयर्स से अगर हम फोर पॉइंट फाइव को फाइव कहते हैं राउंडिंग ऑफ तो पाँच बिलियन सालों से लगातार सूरज हमको रोशनी दे रहा है राइट ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी रिच इज अवर द आउटर लेयर ऑफ अर्थ स्म कैसे स्मॉल पार्ट कैसे आ रहा है क्योंकि हम जोग्राफी के एन uh, जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी मोस्ट ऑफ द बहुत सारा पार्ट जो होता है ओजोन लेयर है ऊपर बादल हैं इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं जो भी सन की एनर्जी आ रही है उसमें से सिर्फ एक छोटा सा पार्ट हमारे तक पहुंचता है नियरली हाफ ऑफ इट एब्जॉर्ब वाइल पासिंग थ्रू द एटमोसफेयर आधा तो एटमॉस्फेयर ही एब्जॉर्ब कर लेता है उसमें से जो बचा हुआ है वही हमारे पास आता है तो जो ब्लैक अ ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एज़ कंपेयर टू वाइट सरफेस तो हमने कट शॉर्ट किया जो हमारा एटमोसफेयर है फिफ्टी परसेंट अब्जॉर्ब कर लेता है इतना सारा रिफ्लेक्ट हो जाता है सब कुछ तो छोटी सी थोड़ी सी एनर्जी जो होती है हमारे आ, सन की जो है हमारे अर्थ पर पहुँचती है तो जो वो एनर्जी पहुँचती है उसी को क्या करते हैं हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और हम उसको सोलर एनर्जी के रूप में यूटिलाइज करेंगे राइट right? तो क्या होता है जब हम सोलर कुकर का यूज़ करते हैं तो सोलर कुकर के अंदर अब हम बात करेंगे जो ब्लैक सरफेस होती हैं जितनी भी वो एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेती है जो वाइट सर्फेसिज होती हैं वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है कम एब्जॉर्ब करती हैं तो ब्लैक सर्फेसिज ऑब्जॉर्ब मोर हीट एज कम्पेयर टू वाइट और रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिज अंडर आइडेंटिकल कंडीशन कोई चमकदार सर्फेस होगी वो रिफ्लेक्ट कर देगी सन एनर्जी को तो जो सोलर कुकर होता है एंड द सोलर हीटर्स आर यूज दिस प्रॉपर्टी ओनली जो सोलर कुकर रहेगा उसके अंदर क्या होगा उसकी जो अंदर वाली सर्फेस रहेंगी वो ब्लैक रहेंगी सम सोलर कुकर अचीव अ हायर टेम्परेचर यूजिंग मिरर्स टू फोकस द रेज ऑफ सन अब आप याद करिए हमने बात किया था मिरर्स फेरिकल मिरर्स को आप याद करिए स्वेरिकल मिरर्स में हमने क्या किया था आप लेंस के बारे में बात की थी क्या करते थे हम सारी एनर्जी सन रेज को फोकस करके एक पॉइंट पे डाल देते थे है ना करते थे ना आपने देखा था उसकी प्रॉपर्टीज़ यू कैन रिवाइज दैट चैप्टर आल्सो देखो यार आपको ना अगर साइंस पढ़ने का एक बहुत अच्छा फंडा है ये है नॉट ओनली साइंस मतलब एवरी सब्जेक्ट वॉट यू वॉन्ट टू लर्न इन योर लाइफ नॉट ओनली एग्जाम एग्ज़ाम भी छोड़ो किसी भी चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ किसी भी चीज़ के बारे में जब आपको जो भी नॉलेज आपके पास है ना जितनी भी नॉलेज है हर किसी के पास नॉलेज है ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके पास नॉलेज नहीं है आपकी जो नॉलेज है ना उसको आपको क्या करना होता है आपको उसको एसिमिलेट करना होता है राइट right टाइम पे वो याद आनी चाहिए आपको वो तो कैसे होता है अपने दिमाग को खुला रखना होता है आपको एक चीज़ आपको पता है कुछ भी आप पटना जा रहे हैं है ना जैसे ही आप पहुँचे आपको पता है ट्रेन का टिकट कैसे लेना है मेरे पास पैसे नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल अचानक से आप अपना पर्स घर पे भूल गए तो आपको अपनी नॉलेज को याद करना है ओके okay, पर्स नहीं है तो कोई बात नहीं मोबाइल है ठीक है मोबाइल के अंदर आपके डिजिटल लॉकर हो सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग हो सकती है दिस इज़ वन काइंड ऑफ नॉलेज हो सकता है आपको कुछ भी आपकी फ़िज़िक्स की नॉलेज कहीं और काम आ सकती है हिस्ट्री की नॉलेज आपकी कि, किसी और जगह पर काम आ सकती है मतलब नॉलेज इज़ द पावर वो आपको द पॉइंट मैं क्या कहना चाहती थी यहाँ पर आपको एसिमिलेट करनी होती है वो सारी की सारी नॉलेज को आपको एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करके पढ़ना पड़ता है आपको जो, आपने जो आर्ट पढ़ा था आप उसके बारे में सिर्फ पढ़ के मत छोड़िए आप अगर ये मेरा लेक्चर भी देख रहे हैं तो इसको लेक्चर को पढ़ के सिर्फ छोड़ मत दीजिए इसके बारे में कम से कम पाँच मिनट ज़रूर सोचें कि क्या मैंने पढ़ा इस चैप्टर से मैंने क्या सीखा जो सीखा है उसको अपने दिमाग में रखिए और उस जो सीखा है उसको यूज़ करिए कभी ना कभी खाना बनाते हैं उस टाइम यूज़ करिए कोई अपना घर क्लीन कर रहे हैं उस टाइम यूज़ करिए कहीं बाहर गए हैं तब यूज़ करिए उस नॉलेज को तो यहाँ पे क्या बात आई थी यहाँ पे ये बात आई थी कि आप वो जो लेंस वाला चैप्टर है उसको यहाँ से रिलेट करिए कि जो सूरज की किरणें हैं हम उसको फोकस कैसे कर सकते हैं कौन सा जो लेंस था कौन सा स्पेरिकल मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर कहते थे किस हम डाइवर्जिंग मिरर कहते थे कौन सा कन्वर्ज कर देगा उन चीज़ों का आप यहाँ पर यूज़ करिए सारी चीज़ों को राइट right? तो सोलर कुकर में क्या है सोलर कुकरस आर कवर्ड विद ग्लास प्लेट उनके ऊपर ग्लास प्लेट लगी होगी रिकॉल वट वी हैव लर्न अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात हो रही है ग्लास प्लेट क्या करेगी ग्लास प्लेट एनर्जी को ट्रैप करके रखेगी जो भी इनकमिंग एनर्जी आए उसको ट्रैप कर लेगी देखो जब भी एनर्जी आती है हीट आती है अर्थ की सरफेस पे स्मॉल स्मॉल वेव लेंथ की रेडिएशन होती हैं जब ये रिफ्लेक्ट बैक होती है तो ये लॉन्गर वेव लेंथ टेरेस्ट्रियल जो होती है वो लॉन्गर वेव लेंथ होती है जो लॉन्गर वेव लेंथ होती है उसको ग्लास जो होगा ट्रैप कर लेगा उसको बाहर नहीं निकलने देगा वो सिर्फ छोटी वेव लेंथ वालों को अंदर आने देता है लॉन्गर वेव लेंथ को नहीं जाने देगा बाहर तो क्या हो जाएगा वो एनर्जी ट्रैप हो जाएगी उसी जगह पर जो ये ट्रैप एनर्जी होगी ये टेम्परेचर को अंदर मेनटेन रखेगी तो इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट ठीक है तो ये एक डिवाइस बना दिया जाता ये ये है ये देखिए ये डिवाइस है इसमें क्या है ये रिफ्लेक्टर प्लेन मिरर लगा हुआ है ग्लास शीट लगी हुई है ऊपर इसको कवर करने के लिए फू ये देखिए खाना डाल दिया यहाँ पे ये वुडन का बॉक्स है ये क्या है ये पूरा ब्लैक कलर से पेंट होगा इनर बॉक्स पेंटेड ब्लैक इन इसको यहाँ पे खाने को रख के इसको बंद कर देंगे उधर से हीट कांच में से जो होगा ट्रांसपेरेंट होगा उसमें से जाएगी सन की रेज अंदर से ब्लैक होगा वो एब्जॉर्ब करके रखेगी सिंपल सा मॉडल होता है बहुत ही सिंपल होता है सोलर कुकर ठीक है इट इज़ इजी टू सी दैट दीज डिवाइज आर यूजफुल ओनली एट सर्टन टाइम ड्यूरिंग द डे अब सोलर कुकर से आपको खाना बनाना है तो रात को तो नहीं बना सकते आपको रात के ग्यारह बजे भूख लग गई है तो तो सोलर कुकर से खाना नहीं बनेगा दिस लिमिटेशन ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जीज ओवरकाइम को बाय यूजिंग सोलर सेल्स अब आपने देखा अब हमने क्या देखा कि सोलर कुकर में तो उसी टाइम पे खाना बनेगा जिस टाइम पे सन आ रही है अब हमने देखा रात को हम क्या करें और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जोग्राफी जब जो हम पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे जैसे जैसे सन की रेज प्लांट होती जाती है वैसे वैसे क्या होता है जब विंटर्स होंगी तो आपने देखा होगा आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल में छ छः महीने की दिन और छः छः महीने की रातें हो जाती हैं तो ये जो स्टॉ थिंक अबाउट वहाँ पे क्या होता होगा क्या उससे थोड़ा नीचे जाएंगे तो क्या होगा छः छः महीने की नहीं लेकिन जो है तीन चार घंटे का दिन बाकी सब रात तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं जहाँ पे मान लीजिए किसी ऐसे केस की बात करिए जहाँ पर कोई और सोर्स ऑफ एनर्जी है ही नहीं तो आप क्या करोगे जो सोलर एनर्जी उसी को ट्रैप करने की कोशिश करोगे तो उस एनर्जी को ट्रैप करके सोलर सेल्स में यूज़ किया जाता है ऐसा सोर्स चाहिए हमको जो ट्रैप कर ले दिन के टाइम पे जो एनर्जी आए उसको ट्रैप कर ले तो सोलर सेल्स का यूज़ किया जाता है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उसको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिक में और टिपिकल सेल डेवलप सा वोल्टेज ऑफ पॉइंट से वन वोल्ट तक का वोल्टेज डेवलप कर सकता है एंड कैन प्रोड्यूस अबाउट पॉइंट सेवन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वैन एक्सपोज टू सन तो सोलर सेल्स का यूज़ किया जाता है फॉर व्हाट फॉर मीटिंग द एनर्जी रिक्वायरमेंट एट द टाइम एन देर इज नो सन ओके तो होता क्या है लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर कम्बाइंड इन अरेंजमेंट कॉल सोलर सेल पैनल आप लोगों ने देखा होगा आजकल बहुत कॉमन है सोलर सेल पैनल लगाए जा सकते हैं इसमें नहीं दिया है फोटो घर के ऊपर लगा दिया जाते हैं सोलर सेल्स का पूरा पैनल बना के लगा दिया जाता है वो क्या करेंगे दैट कैन डिलीवर दैट कैन डिलीवर इनफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर प्रैक्टिकल यूज सिलिकॉन विच इज़ यूज़ फॉर मेकिंग सोलर सेल सिलिकॉन यूज़ किया जाता है सोलर सेल में इट इज अबेंडेंट इन नेचर बट अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेशल स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन फॉर मेकिंग सोलर सेल इज़ लिमिटेड सोलर सेल में कौन सा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर सिलिकॉन का यूज़ किया जा रहा है लेकिन जो जिस अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन जिससे हमें सोलर सेल बनाने हैं उसकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है राइट right? जो पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है देखो सोलर पैनल्स लगाने का जो इनिशियल कॉस्ट होता है इट इज़ वेरी हाई हायर दैन विंड मिल जो विंड वाला एनर्जी हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में तो जो विंड एनर्जी के लिए हम जब हम विंड फार्म्स लगाते हैं विंड मिल जो लगाते हैं उसके फार्म्स बनाते हैं उससे कहीं ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है सोलर सेल्स का मतलब सोलर एनर्जी के लिए जो सोलर सेल्स लगाने होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं सिल्वर यूज फॉर इंटरकनेक्शन ऑफ द सेल्स इन दैनल फर्दर एट द कॉस्ट सिल्वर का यूज़ करते हैं उसमें तो सिलिकॉन तो यूज हो रहा है अब आपके लिए ये पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है कि सोलर सेल के अंदर क्या क्या यूज़ होता है पूरा कॉम्पोजिशन आप उसका देख सकते हैं ये हो एज एन होमवर्क यू कैन सी दैट कि उसके अंदर क्या क्या यूज़ हो रहा है सिलिकॉन तो यूज़ हो ही रहा है साथ में सिल्वर का यूज़ हो रहा है इंटरकनैक्शन के लिए इन स्पाइट ऑफ हाई कॉस्ट एंड लो एफिशेंसी सोलर सेल्स आर यूज फॉर मैनी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन आर्टिफिशियल सेटेलाइट जो होते हैं उसके अंदर भी हम लोग सोलर सेल्स यूज़ करते हैं स्पेस प्रोब जो मार्स का ऑर्बिटर्स है उसके अंदर भी सोलर सेल्स लगा के भेजें ताकि वो अपने आप एनर्जी उसको मिलती रहे रेडियो एंड वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम्स और टीवी वी इन रिमोट लोकेशन यूज सोलर सेल्स ऐसी जगहों पे जहाँ बार बार जाके एनर्जी या फिर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी अवेलेबल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी वैसे नहीं प्रोड्यूस हो सकती तो वहाँ पे सोलर सेल्स आर वेरी हेल्पफुल ऑल ये बहुत महंगे पड़ते हैं लेकिन इनकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है जंगलों के बीच में आप लाइट्स लगा देते हैं सोलर पैनल लगा के दिन के टाइम पे वो खुद ही चार्ज हो जाती है रात के टाइम पे ऑटो ऑन हो जाती है जैसे सनसेट होता है और सोलर सिस्टम लगा होता है उसके अंदर सोलर पैनल लगा होता है अपने आप चार्ज होती रहती है आपने देखे होंगे इस तरीके की लाइट्स बहुत सारी जगह उनमें यूटिलिटी बहुत हाई है राइट ट्रैफिक सिग्नल्स पे कैलकुलेटर एंड मैनी टॉयज़ आर फिटेड विद सोलर सेल आप उनको सिर्फ धूप में रखिए वो चार्ज हो जाएंगे शाम को आप उनको चला सकते हैं तो सोलर एनर्जी क्या होता है रूफ टॉप्स के ऊपर सोलर सेल्स यूज लगाए होते हैं तो वो घर की पूरी की पूरी बड़ी बड़ी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं डोमेस्टिक यूज़ के लिए सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कॉस्ट हाई है तो आप एज एन होम वर्क सोलर पैनल का कॉम्पोजिशन जो है पूरा लर्न कर सकते हैं देख सकते हैं कंपेयर करके ठीक है नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द टाइडल एनर्जी जो कि हमें कहाँ से मिल रही है हमें मिल रही है वो सी से ठीक है तो टाइडल एनर्जी क्या होती है टाइड्स आ रही है टाइड्स के बारे में आप जानते हैं ज्वार भाटा जिसको कहा जाता है लो टाइड हाई टाइड तो उस एनर्जी को भी हम हार्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे ग्रेविटेशनल पुल आप जानते हैं किसका पुल क्यों आती है टाइड्स ग्रेविटेशनल पुल मेनली ऑफ मून चांद का पुल ऑन स्पिनिंग ऑन द स्पिनिंग अर्थ जो चांद ने भी तो ग्रेविटेशनल पुल कर रहा है ना हमको देखो ग्रेविटेशनल पुल तो दोनों करते हैं ना बड़ी बॉडी छोटी बॉडी इफेक्टिव किसका होता है कौन किसके पुल में रहेगा एक बड़ा बंदा मोटा सा है एक छोटा बंदा खींच तो दोनों एक दूसरे को रहे किसकी तरफ खींचता है जो जो ज़्यादा पावरफुल है उसकी तरफ चला जाता है लेकिन ऐसा नहीं है छोटा बंदा जो कम पावर वाला है वो भी तो खींचता है ना तो मून का पुल भी है कम से कम और कुछ नहीं आपको पूरा का पूरा नहीं खींचेगा तो कम से कम आपके शर्ट को तो खींच ही सकता है आपकी रिस्ट वॉच को तो आपके ब्रेसलेट को तो खींच ही सकता है जो कम एनर्जी वाला बंदा है आपको पूरा नहीं खींच के लेके जा रहा है आपके ब्रेसलेट को खींच लेगा आपके रिस्ट वॉच को खींच लेगा कपड़ों को खींच सकता है राइट तो उसी तरीके से आप मान लो मून जो है ना वो भी अर्थ को पुल कर रहा है अर्थ उसकी तरफ नहीं जा रही है अल्टीमेटली चक्कर किसको लगाने पड़ रहे हैं मून को वो हमारे हमारा सेटेलाइट है लेकिन जो अर्थ के ऊपर पानी है उसको आप ऐसा ही समझ लो शर्ट जैसा वो फ्लूड है ना वो उसकी तरफ थोड़ा सा खींच जाता है राइट तो इन फॉर्म ऑफ वॉट टाइप अगर कोई आपका कपड़े खींचेगा जो आपसे कम पावरफुल है अल्टीमेटली आपके कपड़ों तो जाएंगे नहीं लेकिन खिंच तो जाएंगे ना थोड़े से उसकी तरफ क्योंकि अल्टीमेटली तो आप ही की तरफ रहेंगे हमारा ओशन है हमारी तरफ ही रहता है उड़ के चाँद पे नहीं जाता बट खिंचता तो है राइट <laughs> तो यही होता है तो टाइटल एनर्जी क्या है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून है तो जो लेवल ऑफ वाटर इन द सी राइजेज एंड फॉल वो उठता है कम होता रहता है अगर आप सी के पास में रहते हैं तो आपको दिखता है आपने देखा है अगर आप रहते भी नहीं है तो भी आप जब भी भी जाते होंगे कोस्टल एरियाज़ में तो बोला जाता है कि भाई हाई टाइड का टाइम है आप अभी उस टाइम पे मत जाइए बहुत बता जाता है अलर्ट हमेशा जारी रहता है तो ये जो ऊपर नीचे आने का जो पानी के आगे बढ़ने का पीछे जाने का जो होता है इस फिनोमेना को कहते हैं हाई एंड लो टाइड्स एंड द डिफरेंस इन सी लेवल गिव राइज टू टाइडल एनर्जी टाइडल एनर्जी इज हारनेस्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डैम अक्रॉस अ नैरो ओपनिंग टू द सी आप ये क्या करते हैं जो हाई टाइट में जैसे जो पानी आता है उसको क्या कर लिया जाएगा उसको स्टोर कर लिया जाएगा डैम बना के जैसे नदी का पानी हम स्टोर करते हैं उसी तरीके से जो हाई टाइट का जो पानी होता है बिल्कुल सेम मेकेनिज़म यूज़ होने वाला है आप समझ भी गए होंगे हाई टाइट का जो पानी होगा उसको एक डैम बना के उसको रोक लिया जाएगा क्योंकि ओशन के अंदर तो आप डैम नहीं बना सकते कहाँ बनाएंगे तो जो हाई टाइड वाला जो पानी होगा उसको रोक लेंगे थोड़ी देर के लिए फिर क्या करेंगे वही काम करेंगे टर्बाइन फिक्स करेंगे वहाँ पे और उसको कन्वर्ट करेंगे टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कैसे कर रहे हैं आप जानते हैं टर्बाइन घूमेगा वो अटैच होगा यहाँ पे डायनमोल लगा होगा जिसके अंदर क्या होगा एक एक कंडक्टर होगा और मैग्नेट होगा और ये जैसे जोर ज़ोर से घूमेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था जिस किसी ने नहीं पढ़ा जाके इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर जरूर देख लें मेरा तो अब क्या हो रहा है टर्बाइन से फिक्स करके सेम टाइडल एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी एज यू कैन गेस द लोकेशन वेयर सच डैम्स कैन बी बिल्ड आर लिमिटेड ये कहाँ पे बन सकते हैं टाइडल एनर्जी को आप कहाँ पे बना सकते हो ऑब्वियसली कोस्टल एरिया में जहाँ पे समुद्र है जहाँ पे टाइड्स आती हैं वहीं पे आप टाइडल एनर्जी को हार हारनेस कर सकते हो उस एनर्जी को आप डैम के वाटर में रोक सकते हो और उसको धीरे धीरे रिलीज कर सकते हो पानी को तो टाइडल एनर्जी को भी डैम बना के स्टोर कर लिया जाता है तो ये आप इतना समझ गए हैं नाउ वी विल टॉक अबाउट वेव एनर्जी वेव एनर्जी क्या है जो ओशन की जो लहरें आती हैं उसकी एनर्जी को कैसे करेंगे सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी प्रोजेस बाय ह्यूज वेव्स नियर द सी श्योर कैन बी ट्रैप्ड इन अ सिमिलर मैनर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कैसे करेंगे हम जो बड़ी बड़ी लहरों से जो पानी आ रहा है उनको भी हम क्या करेंगे स्टोर कर लेंगे और उसको फिर धीरे धीरे रिलीज करेंगे द वेवस आर जनरेटेड बाई स्ट्रॉन्ग विंड अक्रॉस द सी वेव एनर्जी वुड बी वायबल प्रपोजिशन ओनली वेन ओनली वेयर वेव्स आर वेरी स्ट्रांग जहाँ पे बहुत तेज वेव्स होंगी वहाँ अ वाइड वेराइटी ऑफ डिवाइस कैन बी डेवलप टू ट्रैप वेव एनर्जी फॉर रोटेशन ऑफ टर्बाइन अल्टीमेटली क्या करना है हमको कैसे भी कर लो आपको टर्बाइन को ही घुमाना है ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर यहाँ पे भी ये है ये फ्लोटिंग है एक स्टेशन ये एक इस स्पार बना हुआ ये हैवी प्लेट लगी हुई है केबल टू श्योर अंडर सब स्टेशन की एक स्ट्रक्चर बना हुआ है इस यू कैन सी फिर हम बात कर रहे थे ओशन थर्मल एनर्जी अभी हमने क्या बात किया ओशन के अंदर कौन कौन सी एनर्जीज की बात की अभी हमने टाइडल एनर्जी की बात की और वेव एनर्जी की बात की दोनों को सेम तरीके से ही काम कर रहे हैं वेव एनर्जी से भी अल्टीमेटली हमको टर्बाइन को ही घुमाना है टाइडल एनर्जी में हम उसको स्टोर कर ले रहे हैं यही सब कर रहे हैं अब हम ओशन की थर्मल एनर्जी ओशन के अंदर जो एनर्जी होती है विच इज़ थर्मल उसको हमें यूज़ करना है तो हम कैसे कर रहे हैं जो वाटर है सरफेस पे ऑफ द ओशन और सी और ओशन इज हीटेड बाय सन वो गर्म हो जाता है जो नीचे वाला पानी है वो ठंडा रहता है ये आप जानते हैं पानी जो है वो एक मूविंग एंटिटी है तो ऊपर वाला पानी सूरज की गर्मी से गर्म हो जाएगा तो नीचे वाला होगा उसके कंपैरिजन में ठंडा रहेगा ये जो डिफरेंस है टेम्परेचर का इसी को हम एक्सप्लॉयड करते हैं टू अपटेन एनर्जी इन ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन ओशन थर्मल एनर्जी के जो कन्वर्जन प्लांट है ये जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है सरफेस ऑफ द ओशन वाटर और जो नीचे वाले जो पानी का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसी को अल्टीमेटली यूज़ किया जाता है ये जो प्लांट्स हैं कैन दीज प्लांट्स कैन ऑपरेट इफ़ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वाटर एट द सर्फेस एंड वाटर एट द डैप अप टू टू इज ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस और मोर कब यूज हो पाएंगे दिस यू कैन अंडरस्टैंड जब दोनों के बीच में कम से कम ट्वेंटी डिग्रीज का डिफरेंस हो कितने देर में आना चाहिए वो दो किलोमीटर के डेप्थ के बीच में आ जाना चाहिए दो किलोमीटर की डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है राइट right? दो किलोमीटर की डेप्थ के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस आएगा ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा तो हम ओशन थर्मल एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं जो वार्म सरफेस वाटर होगा यूज टू तो बॉयल अ वॉलेटाइल लिक्विड लाइक अमोनिया द वेपर्स ऑफ द लिक्विड आर यूज देन यूज टू टर्न द टर्बाइन ऑफ जनरेटर अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं टर्बाइन को घुमा देना है हमें कैसे जो वार्म सरफेस वाटर होगा उसमें हम क्या करेंगे जो लिक्विड होगा अमोनिया उसको हम वॉलेटाइल है वो उड़ जाता है तो उसको हम क्या कर देंगे बॉइल कर देंगे जो कोल्ड वाटर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ओशन इज पम्प्ड अप एंड कंडेंस्ड वेपर अगेन टू लिक्विड जो नीचे वाला एक ऐसे पंप लगा देंगे ये देखिए इस स्ट्रक्चर को आप देखने की कोशिश करिए ये नीचे है ये वाला नीचे वाला वाटर है ये ऊपर वाला वाटर है ये क्या करेगा ये वाला वाटर जो है ये इसको अमोनिया को गर्म कर देगा है ना और ये जो वाटर है इसको वापस से ठंडा कर देगा इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा थर्मल ओशन की जो थर्मल एनर्जी में इस इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा कि जो सरफेस वाटर है वो तो उसको बॉयल करेगा और जो कोल्ड वाटर है नीचे वो उसको दोबारा से वेपर्स जो निकलेंगे वो एक क्लोज चेम्बर में बनाया जाएगा जैसे कि हमने थर्मल पावर प्लांट में देखा था एक क्लोज चेम्बर में बनाया जाएगा वो वेपर्स जैसे ही ऊपर उठेंगे पाइप से जैसे ही वो थोड़े से ठंडे होंगे तो वो वापस से नीचे जाके ठंडे हो जाएंगे और उसको एक पाइप के बीच में रोटेट कर दिया जाता है ठीक है ये वेपर्स क्या होंगे ओशन पम्प द कोल्ड वाटर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ओशन इज़ पम्प्ड अप उसको उठा के नीचे से ऊपर लेकर आएंगे एंड कंडेंस वेपर अगेन टू लिक्विड और वो साइकिल में चलता रहेगा नीचे से पानी उठाया जाएगा ऊपर लाया जाएगा जैसे ही वो अमोनिया बॉयल होगा उसके ऊपर पानी से उसको गुजार देंगे ठंडे पानी से तो वो फिर से लिक्विड बन जाएगा उसको दोबारा दोबारा घुमाया जाएगा जो एनर्जी पोटेंशियल फ्रॉम सी टाइडल एनर्जी वेव एनर्जी एंड ओशन थर्मल एनर्जी इज क्वाइट लार्ज बट एफिशिएंट कमर्शियल एक्सप्लॉटेशन इज़ डिफ़िकल्ट देखो ये कहना ऐसा स्ट्रक्चर थ्योरी में बनाना ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दिया गया यहाँ पे बहुत आसान है कहना ये देखिए लेकिन आप यहाँ पे इधर ये वाला वहाँ पे है बहुत ज़्यादा गर्म है तो यहाँ पे अमोनिया डाल के एवेपोरेट कर देंगे पाइप से नीचे से पाइप से उठा के यहाँ पे पानी ले आएंगे यहाँ पे कहीं पे टरबाइन लगा देंगे और यहाँ पे देखो टरबाइन जनरेटर हो रहा है वाटर वे पर टर्बाइन जनरेटर वाटर कूल हो गया यहाँ पर और इसको फिर से यूज़ कर लिया कंडेंस करके फिर से ऐसे यूज़ कर लिया ये कहना बहुत आसान है लेकिन इसको ओशन के बीच में ओशन की एनर्जी कितनी ज़्यादा होती है मूविंग वाटर है इतना सारा पानी करना बहुत मुश्किल है ओशन के अंदर इमेंस एनर्जी है बट उसकी एनर्जी को हार्नेस करना इज वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग टास्क ओके थेरेटिकली बात करना इज सिंपल तो अभी ओशन से कितने तरीके की एनर्जी हमने डिराइव की कितनी तरीके की एनर्जी हमने हार्नेस कर पा रहे हैं टाइडल एनर्जी वेव एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी कौन सी वाली ओशन थर्मल एनर्जी है ये ठीक है तो ये सारी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज है उसी के अंदर अब नेक्स्ट आती है हमारी जियो एनर्जी अब जियो एनर्जी क्या होती है जियो एनर्जी होती है ड्यू टू जियोलॉजिकल चेंजेस जो भी जियोलॉजिकल चेंजेस अर्थ के अंदर हो रहे हैं उस एनर्जी को हम निकाल रहे हैं कैसे क्या क्या जियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं मोल्टन रॉक्स फॉर्म इन डीपर हॉट ऑफ द अर्थ क्रस्ट आर पुस्ड अपवर्ड एंड ट्रैप्ड इन सर्टन रीजन कॉल्ड हॉटस्पॉट्स ऐसे एरियाज होते हैं अर्थ पर जैसे कि वोल्कैनिक एक्टिविटी वहाँ पे ज़्यादा होती है हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं है ना गर्म पानी के चश्मे जिसको बोला जाता है हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं जैसे वोलकैनिक जहाँ पे इरपशन हो हैं ये सारे के सारे वो स्पॉट्स हैं जहाँ पर अर्थ अपनी एक्टिविटी शो कर रही है जहाँ पर आप नोटिस कर सकते हुँ. हो वो तो सब जगह रहे हैं वहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं वेन अंडरग्राउंड वाटर कम्स इन कंटेक्ट विद द हॉट स्पॉट स्टीम इज़ जनरेटेड वहां से धुआं निकलता है ठीक है समटाइम्स हॉट वाटर फ्रॉम दैट रीजन फाइंड आउटलेट एट द सर्फिस गर्म पानी भी निकलते आता है जो गर्म पानी के झरने हैं उनको हम क्या कहते हैं हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं ये जो स्टीम जो ट्रैप्ड होती है रॉक्स में इज़ रूटेड थ्रू अ पाइप टू अ टर्बाइन एंड यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ये जो भाप निकल रही है नीचे से अर्थ के नीचे से उसी भाप से आपको क्या करना है अल्टीमेटली पंखा फिर से घुमा देना है टर्बाइन और उसको घुमा के डायनेमो से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ये जो कॉस्ट होता है प्रोडक्शन वुड नॉट बी मच बट देयर आर वेरी फ्यू कमर्शियली वायबल साइट्स वेयर सच एनर्जी कैन बी एक्सप्लॉयटेड अब आप ये समझिए एक बड़े से टर्बाइन को घुमाने के लिए स्टीम की जो कॉन्टिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए उसकी स्पीड होनी चाहिए तो हर एक वाटर स्प्रिंग जो है वो कमर्शियली वायबल नहीं होता देखना पड़ता है कि भाई कहाँ से ज़्यादा स्टीम निकल रही है जिसको कि आप उस स्टीम को यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो तो ये जो जियो एनर्जी है ऑल इट इज़ वेरी गुड एनर्जी लेकिन उसको कहाँ पे हर जगह पे आप यूज़ नहीं कर सकते देर आर अ नंबर देर आर नंबर ऑफ पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन जियो थर्मल एनर्जी ऑपरेशनल इन न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका न्यूजीलैंड और अमेरिका इसका यूज़ कर रहा है बाकी सारे कंट्रीज में वो इतना कमर्शियली यूज़ नहीं हो पा रहा तो यहाँ पे देखिए हॉट वाटर आ रहा है यहाँ से स्टीम निकल रही है अब हॉट वाटर निकल रहा है तो स्टीम जनरेट होगी स्टीम निकलेगी उसको आप टरबाइन के साथ कर दीजिए जनरेटर में डायनेमो में लगा के इलेक्ट्रिसिटी लगा के इधर भेज दीजिए यहाँ पे कूलिंग टावर लगा दिया फिर से वो पानी वापस डाल दिया ठीक है इस तरीके से ये यूज़ होता है मैंने आपको अल्टीमेटली वही बताया जैसे कि हमने पहला वाला स्ट्रक्चर देखा जैसे थर्मल पावर प्लांट में हो रहा है काम सेम सारे में टर्बाइन के थ्रू ही होना है ठीक है तो ये जियो एनर्जी इस तरीके से यूज़ की जाती है तो ये भी एक अनकन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी था नाउ वी विल टॉक अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी ठीक है तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है तो न्यूक्लियर एनर्जी कैसे जनरेट हो रही है आप उसके अंदर इस तरीके के अटोमिक एटम्स को यूज़ कर रहे हैं विच आर एबल टू फ्यूज़ और जिनका फ्यूजन हो सकता है फिजन हो सकता है हम कौन सा यूज़ करते हैं अच्छा आप ये बताइए सन के अंदर क्या हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है कि फिजन हो रहा है दो एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं या दो एटम्स टूट एक एटम दो में टूट रहा है और हम जो न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करते हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं उसमें फ्यूजन यूज़ करते हैं या फिजन यूज़ करते हैं ओके okay. तो जब भी जो सन के अंदर हो रहा है दैट इज सन के अंदर जो हो रहा है वो हो रहा है फ्यूजन ओके okay? हम जो यूज करते हैं हम जो भी अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ करते हैं वो हम फिजन यूज़ करते हैं फिजन का मतलब होता है स्प्लिट होना दो में टूटना फ्यूजन का मतलब होता है दो एटम्स का जुड़ के एक, एक एटम बन जाना हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के यहाँ पे हीलियम बन रहा है सन के अंदर जो फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं वो अनकंट्रोलेबल रिएक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं तो इसलिए हमने जो भी न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ किया है अब तक हमने सिर्फ उसमें फ्यूजन रिएक्शन की है हम फ्यूजन रिएक्शन नहीं कर सकते फ्यूजन रिएक्शन इज हाईली अनकंट्रोलेबल रिएक्शन ऑल दो फ्यजन रिएक्शन इज ऑल्सो अनकंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल ट्रिमिंडस एनर्जी निकलती है इससे बट फ्यूजन हम अब तक नहीं कर पाए हैं ठीक है नहीं करते हैं तो जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या न्यूक्लियर बॉम्ब जो होते हैं उसमें क्या होता है उसमें फ्यूजन होता है तो क्या है हाउ इज़ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड इन अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन देखो फ्यूजन हम करते हैं मैंने आपको वही बताया सन के अंदर क्या हो रहा है फ्यूजन हो रहा है वो भी एक न्यूक्लियर फॉर्म ऑफ एनर्जी है फ्यूजन हाँ, क्योंकि अनकंट्रोलेबल है इसलिए हम नहीं कर सकते हैं तो हम क्या कर रहे हैं अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन द न्यूक् द न्यूक्लियस ऑफ अ हैवी आइटम सचस यूरनियम प्लूटोनियम थोरियम इसमें से कोई भी हो सकता है या और कोई भी हो सकता है वैन बोमबार्ड विद लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स किसकी बोमबार्डमेंट हो रही है न्यूट्रॉन्स की न्यूट्रॉन्स क्या होते थे हमने एटम का स्ट्रक्चर देखा था एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या है एटम के न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और क्या चक्कर काट रहे हैं बाहर इलेक्ट्रॉन्स ये हमने न्यूक्लियर का एक एटम का स्ट्रक्चर देखा था तो इसमें हम क्या बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजन हो रहा है न्यूक्लियर फ़िजन हो रहा है और एक हैवी एटम जो होता है उसको किसकी बोमारमेंट करते हैं न्यूट्रॉन्स की बोमारमेंट करते हैं और वो दो पार्ट्स में स्लिटअप हो जाता है लाइटर न्यूक्लिया में कौन कौन से न्यूक्लियर फ्यूल हो सकते हैं यूरेनियम हो सकता है प्लूटोनियम हो सकता है और थोरियम हो सकता है और भी हो सकते हैं लेकिन ये इजीली जो हमें पता है न्यूक्लियर जो मटेरियल हो सकता है वो ये हो सकते हैं जब ये होता है तो क्या निकलता है ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इफ द मास ऑफ़ द ऑरिजिनल न्यूक्लियर इज जस्ट अ लिटिल मोर देन द सम ऑफ द मासेज ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट राइट दो में स्प्लिट हो जाता है फिजन ऑफ एन एटम ऑफ यूरेनियम, फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसिस टेन मिलियन टाइम्स द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द कम्बशन ऑफ एटम ऑफ कार्बन फ्रॉम कोल टेन मिलियन टाइम्स ऑफ एनर्जी निकलती है इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है तो एक छोटा सा जो हमने पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको पूछा था एक सवाल आप लोगों ने आंसर भी किया होगा तो उसका आंसर भी यही है एक छोटा सा जिस फ्यूल जिसको आप अपनी पॉकेट में डालकर सालों साल की अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा कर सकते हैं तो क्या हो सकता है वो एक न्यूक्लियर फ्यूल हो सकता है जो इतना सा लगेगा और आपने मान लीजिए अपना एक ऐसा टाइम भी आएगा जब हर किसी का जैसे हमारा अपना खुद का क्या होता है अपने खुद के जनरेटर्स तो रखने शुरू ही कर दिए ना हमने अपने फार्म हाउस पर हम रखते हैं तो क्या होगा सब लोग अपना अपना एक न्यूक्लियर रिएक्टर रखा करेंगे छोटा सा वो ऐसा टाइम आएगा सब अपना अपना एक एक न्यूक्लियर ट्रैक्टर बिका करेगा उसके अंदर छोटा सा न्यूक्लियर फ्यूल खरीदा करेंगे उससे आपकी सारी एनर्जी नीड्स पूरी हुआ करेंगी आपकी कार भी उसी से चार्ज हो जाएगी आपका मोबाइल लैपटॉप आपका घर ए फ्रिज सब कुछ उसी से चार्ज हो जाएगा देर वुड बी अ टाइम मतलब इट इज़ मैटर ऑफ टाइम ओनली अभी हम एनर्जी क्राइसिस में की बात करते हैं बट देर वुड बी अ टाइम जब न्यूक्लियर फ्यूल जो होगा बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएगा टेक्नोलॉजी जो होगी इतनी एडवांस हो जाएगी कि जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं हम बहुत ही सस्ते दरों पे सस्ते रेट्स पर बनाना शुरू कर देंगे कि हर एक हाउस होल्ड जो है अपना अपना एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होगा अफोर्ड कर पाएगा एंड दिस विल हैपन इन आवर ओन लाइफ टाइम सो ठीक है तो क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन से क्या हो रहा है टेन टाइम्स मिलियन टाइम्स जो होती है एनर्जी निकलती है एज कंपेयर टू कोल के बारे में कोयले से कंपेयर करें तो so, न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है डिज़ाइन फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर हम क्यों बनाते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए बनाते हैं तो जो न्यूक्लियर फ्यूल कैन बी पार्ट ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग फिजन चेन रिएक्शन देखो क्यों मैंने बोला एक छोटा सा होगा क्योंकि वो सेल्फ सस्टेनिंग फिजन चैन चेन रिएक्शन होती है उसके अंदर सेल्फ सस्टेनिंग होता है एक जो होता है वो दो पार्ट में टूट जाता है फिर ये जो दो है फिर टूट जाते हैं फिर टूट जाते हैं फिर टूट जाते हैं है, और ये चलता रहता है प्रोसेस राइट दैट रिलीज इज एनर्जी कंट्रोल इट द एनर्जी रिलीज कैन बी यूज टू प्रोड्यूस स्टीम एंड फर्दर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी कर क्या रहे हैं हम अल्टीमेटली न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है कैसे फिर से स्टीम जनरेट की पानी का एक पाइप लेकर आए उससे स्टीम जनरेट करी स्टीम से पंखा घुमाया और पंखे से डायनेमो घुमाया और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई सबका फंडा सेम चलेगा एनर्जी कोई भी यूज कर लो आप अल्टीमेटली क्या करना है पंखा घुमा देना है पंखा घुमा और उसके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी राइट तो ये देखिए क्या हो रहा है देखिए ये रिएक्टर है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं पानी का एक पाइप लेकर आए वन ये रिएक्टर टू यहाँ पे पानी का पाइप डला हुआ है ये पानी क्या हो गया गर्म हुआ और इससे स्टीम जनरेट हुई स्टीम ने टर्बाइन घुमाया यहाँ पर डायनाबोल लगाए जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी इसको दर भेज दिया ये पानी जो था स्टीम से फिर बन गया वाटर इसको ठंडा करने भेज दिया फिर ये फिर से इस पानी को यहाँ लेकर आए यही चलेगा सारे पावर प्लांट्स ऐसे ही काम करते हैं किसी भी तरीके की पावर से वो फ्यूल हो रहे हो चाहे राइट तो ये था हमारा अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी इसके अंदर टू नो मोर आप ये पढ़ सकते हैं ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा इसमें क्या दिखाया गया है इसमें बताया गया है न्यूक्लियर फिजन में क्या हो रहा है डिफरेंस इन मास बिटवीन ऑरिजिनल न्यूक्लियस एंड प्रोडक्ट न्यूक्लियर ई गैट्स कन्वर्टेड टू एनर्जी ई एट द रेट गवर्न बाय द फेमस इक्वेशन ई इज इक्वल टू डी एम सी स्क्वायर एल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन है तो पढ़ लीजिएगा आप इसको इसमें फिर बताया गया है कहाँ कहाँ पे हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन लगाए गए हैं तारापुर राना प्रताप सागर कालपक्कम नरूरा और भी हैं आप इसको करंट अफेयर्स के पार्ट पे देख लीजिए राइट right. अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर देखो दो तरीके के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया न्यूक्लियर फिजन जिसमें टूट रहा है और एक फ्यूजन मैंने आपको बता दिया फिजन जो होता है हम यूज करते हैं क्योंकि वो कंट्रोलेबल एनर्जी जनरेट करता है फ्यूजन हम यूज़ नहीं करते करंटली ऑल कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर आर बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन क्योंकि अभी तक हमारे पास टेक्निक नहीं है कि हम वो सूरज जैसे बना रहे एनर्जी उस तरीके की एनर्जी हम बना पाए क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर सकते उतनी एनर्जी को बट देर इज अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन बाय अ सेफर प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन मीन्स ज्वाइनिंग लाइटर न्यूक्लियर टू मेक अ हैवियर न्यूक्लियस मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आइसोजोप टू क्रिएट हीलियम ये हो रहा है सन के अंदर इट रिलीज स्टेमिंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन एज द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज लिटल लेस दैन द सम ऑफ द माज ऑफ द ऑरिजिनल इंडिविजुअलियर फ्यूजन फ्यूजन रिएक्शन आर सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन एंड अदर स्टार्स दैट इट टेक्स कंस्टेबल एनर्जी टू फोर्स द न्यूक्लियर टू फ्यूज किसी न्यूक्लियस को फ्यूज कराने के लिए आपको पहले उसे बहुत एनर्जी देनी पड़ती है फिर वो ऑटो चेन रिएक्शन में चला जाएगा वो अपने आप फ्यूज होना शुरू हो जाता है ये लेकिन सन में हो रहा है और बाकी के स्टार्स में हो रहा है देखिए इसमें फ्यूजन रिएक्शन दिखाया गया है ड्यूट्रियम क्या है ड्यूट्रियम क्या है आइसोटोप है हाइड्रोजन का ट्रिटियम ड्यूट्रियम ट्रिटियम न्यूट्रॉन हीलियम बन गया एनर्जी रिलीज हुई ये फ्यूजन रिएक्शन है कंडीशंस जो हमें चाहिए इस प्रोसेस में फ्यूजन में आर एक्सट्रीम मिलियंस ऑफ डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड मिलियंस ऑफ पास्कल ऑफ प्रेशर जब बहुत सारा प्रेशर बहुत सारा टेम्परेचर दिया जाएगा तब कहीं जाके फ्यूजन पॉसिबल हो पाएगा जो हम अब तक तो क्रिएट नहीं कर पाए कर सकते हैं फ्यूचर में हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और न्यूक्लियर बॉम्ब बेस्ड ऑन द फ्यूजन ऑफ यूरेनियम और प्लूटोनियम इज प्लेस्ड एट द कोर ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब दिस न्यूक्लियर बॉम्ब इज एम्बेडेड इन सब्सटेंस विच कंटेन ड्यूट्रियम एंड लिथियम वन न्यूक्लियर बॉम्ब बेस्ड ऑन फ्यूजन इज डेटोनेटेड द टेम्परेचर ऑफ दिस सब्सटेंस इज रेज टू वन जीरो सेवन कैलविन इन फ्यू माइक्रोसेकेंड्स द हाई टेम्परेचर जनरेट सफिशियंट एनर्जी फॉर लाइट न्यूक्लियर टू फ्यूज एंड डिवास्टेटिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिडीज जो फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले उसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन का बॉम्ब बॉम्ब के अंदर फ्यूजन रिएक्शन पहले करानी पड़ेगी तब जाके फ्यूजन रिएक्शन शुरू होगी बहुत डिवास्टेटिंग है मेजर हजार्यूक्लियर पावर जनरेशन इज द स्टोरेज एंड डिस्पोज ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द स्पैंड फ्यूअल द यूरेयम स्टिल डिकेंग इंटू हार्मफुल्स अब अटोमिक पार्टिकल अब आप न्यूक्लियर एनर्जी की हम बात तो कर रहे हैं अब इतनी अच्छी है तो फिर हम उसको इतना ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं कर लेते प्रॉब्लम क्या है ना जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है वो रेडियो एक्टिव साइड इफेक्ट्स देता है और रेडियो एक्टिव साइड इफेक्ट्स देने खतरनाक होते हैं उसमें कैंसर से लेके जाने कितने तरीके की बीमारियाँ होती हैं जेनेटिक चजेस हो जाते हैं जापान के लोगों में अभी तक भी वो जो न्यूक्लियर बॉम्बिंग के वजह से अभी तक उन लोगों के अंदर जेनेटिक डिफेक्ट्स आते हैं इतने सालों के बाद भी फॉर्टी फाइव याद करिए इंपॉर्टेंट जो न्यूक्लियर जो वेस्ट जनरेट होता है उसका स्टोरेज और डिस्पोजल जो है वो एन्वायरमेंट को कंटामिनेट कर सकता है इसीलिए जो न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसको इतना कंट्रोल इतना सिक्योर तरीके से यूज़ किया जाता है एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री को न्यूक्लियर फ्यूल भेज रही है सिर्फ और सिर्फ किस लिए सिर्फ और सिर्फ वो देखते हैं चेक करते हैं कि आप इसका यूज़ सिर्फ एनर्जी जनरेट करने के लिए करोगे आप इसका बॉम्ब नहीं बना लोगे ठीक है और आप जो इसका डिस्पोजल जो करोगे इसका जो वेस्ट निकलेगा जो इसका बाय प्रोडक्ट्स निकलेंगे उसको सही तमीज़ से डिस्पोजल करोगे तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिस्की है रिस्क किस चीज़ का एक्सीडेंटल लीकेज का न्यूक्लियर रेडिएशन के स्प्रेड होने का इससे पहले भी हम कितने सारे बार झेल चुके हैं ये द हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट हाई रिस्क ऑफ इंटर इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम मेक्स लार्ज स्केल यूज ऑफ यूरेनियम एनर्जी प्रोहिबिटेड इसीलिए एक तो यूरेनियम की अमाउंट लिमिटेड है उसके बाद इसके रेडिएशन वाला इसका आज़ार्ड है इसके बाकी के जो बाय प्रोडक्ट हैं वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करने में वाइडली यूज़ करने में उसको रोकती है जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो फर्स्ट वॉज यूज फॉर डिस्ट्रक्टिव परपजेज़ वॉज़ फर्स्ट यूज फॉर डिस्ट्रक्टिव परपजेज बिफोर न्यूक्लियर पावर स्टेशन वा डिजाइन बताओ इंसान है ना ह्यूमंस हैं वो सबसे पहले उसका यूज़ उसका इंपॉर्टेंट वाला अच्छा वाला यूज़ तो किया नहीं सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया था तो यही ऐसे ही होते हैं ह्यूमंस मतलब आई एम नॉट सेइंग कि गलत ही होते हैं मतलब लेकिन हमेशा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसिस के बारे में भी सोच लेते हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसका डिस्ट्रक्टिव यूज़ पहले किया गया उसका यूजफुल यूज़ use जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो बाद में बनाए गए ठीक है जो फंडामेंटल फिजिक्स एफिशियट चेंज रिएक्शन इन अ न्यूक्लियर वेपन इज़ सिमिलर टू फिजिक्स ऑफ अ कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्टर बट द टू टाइप्स ऑफ डिवाइेज आर इंजीनियर क्वाइट डिफरेंटली न्यूक्लियर वेपन में और न्यूक्लियर रिएक्टर में जो टेक्निक यूज होती है ऑलमोस्ट सिमिलर होती है लेकिन उनकी इंजीनियरिंग इतनी डिफ़िकल्ट कर देते हैं वो कि फिर वो हो नहीं पाती है राइट right. तो ये था चैप्टर के बारे में जिसमें कि हमने बात किया कि किस तरीके से अलग अलग सोर्सेज ऑफ़ एनर्जी हैं उसका हम किस किस तरीके से यूज़ करते हैं उनकी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं किस तरीके से उसमें से एनर्जी जनरेट होती है अब हम वी आर रीचिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम लोग बात करेंगे इन्वामेंटल कॉन्सिक्वेंस क्या क्या होते हैं सोर्सेज ऑफ़ एनर्जी के बारे में हमने तो बात कर लिया एक्सप्लॉइटिंग एनी सोर्स ऑफ एनर्जी डिस्टर्ब द एन्वायरमेंट अब आप कोई भी तरीके की एनर्जी को यूज़ कर रहे हो तो आप नेचर के बीच में तो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर ही रहे हो ना चाहे आपने डैम बना दिया कोयला निकाल लिया वहाँ से सोलर एनर्जी हार्वेस्ट करने के लिए हार्नेस करने के लिए आपने सोलर वो लगा दिए पैनल्स लगा दिए विंड विंडवील्स खड़ी कर दी कहीं ना कहीं पे आप एनवायरनमेंट को तो डिस्टर्ब कर ही रहे हैं तो क्या होता है एक्सप्लाइटेशन जब करते हैं एक एनर्जी सोर्स का तो एनवायरमेंट हमारा खराब होता है इन एनी गिवन सिचुएशन द द वी चूज डिपेंड्स ऑन सच एज द ईज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग हम किस जगह पे किस फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज करने जा रहे हैं वो डिपेंड करता है जहां पे नदियां ज्यादा हैं वहां पे आप हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाएंगे जहाँ पे उस एक तरीके के फ्यूल की अवेलेबिलिटी ज्यादा है वहां पे दूसरे तरीके का लगाओगे ओशंस के पास आप ओशन की एनर्जी को निकालने की कोशिश करोगे राइट तो आपका सोर्स ऑफ एनर्जी कैसा होगा वो डिपेंड करता है आप किस जगह पे प्लेस जोग्राफिकली राइट हम क्लीन फ्यूल की बात करते हैं सी एन जी इट वुड बी मोर एग्जैक्ट टू से दैट अ पर्टिकुलर सोर्स इज क्लीनर देन द अदर क्लीन सोर्स है सी एन जी लेकिन एकदम क्लीन कोई नहीं होता क्या सी एन जी से आपको कोई भी हार्मफुल गैसेस नहीं निकलती ऐसा नहीं है हमेशा कंपेरेटिव बात होती है कि भाई ये वाला क्लीन का मतलब क्या है नॉट ओनली क्लीन और नॉन क्लीन हर एक जो वर्ड है हर एक जो टर्म है जितने भी एक्जेक्टिवस है बेसिकली एडजेक्टिव जितने भी यूज होते हैं छोटा लंबा काला मोटा आ, अमीर गरीब है ना बीमार ना बीमार हेल्दी ये सब के सब क्या है ये कंपेरेटिवस है एक चीज़ अगर आप किसी को रिच बोलते हो तो रिच आप किसको बोल रहे हो उस किसी दूसरे के साथ उसको कंपेयर करते हो कंपेरेटिव है अगर उसको आपको गरीब बनाना है तो उसके आगे आप और रिच पर्सन को सामने ला के खड़ा कर दो तो वो गरीब हो जाएगा छोटा बड़ा एक छोटी लाइन है या एक बड़ी लाइन है आप एक बड़ी लाइन को बड़ा बोल रहे हो तो अगर आपको उसको छोटा बोलना है तो उससे टेन टाइम्स बड़ी लाइन उसके सामने खींच दीजिए आप तो ऑल आर कंपेरेटिव तो कोई भी फ्यूल यहाँ पे क्लीन फ्यूल है नहीं क्लीन clean, वो क्लीनर देन अदर है बस वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से क्या हो रहा है एयर पॉल्यूशन हो रहा है इन केस इन सम केसिज द एक्चुअल ऑपरेशन ऑफ द डिवाइस लाइक सोलर सेल मे बी पॉल्यूशन फ्री बट द असेंबली ऑफ द डिवाइस वुड हैव कॉस्ट इन्वायरमेंटल डैमेज और सोलर सेल को बनाने के लिए कितने इन्वायरमेंटल डैमेज होगी उसको कौन कैलकुलेट करेगा विंड मिल बनाने के लिए विंड मिल को बनाने के लिए उसमें भी तो प्लास्टिक लगाए उसमें भी तो लोहा लगाए इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन लाइन वो भी ना किसी metal metal ना किसी मेटल से बनी हुई है वो मेटल किसी न किसी इंडस्ट्री में तो बनी हुई है ना हंड्रेड परसेंट क्लीन कोई फ्यूल है नहीं पॉइंट इज हंड्रेड परसेंट ग्रीन हंड्रेड परसेंट क्लीन कोई फ्यूल नहीं है वो कंपैरिजन करते हैं हम देखिए ये सारी बातें हम हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज वी आर इन क्लास टेन यू नो क्लास टेन की एन पढ़ रहे हैं एंड आई होप एंड आई विश मैं जो है पढ़ा रही हूँ उन लोगों को जो यू पी या स्टेट पी सी या अदर एग्जाम्स को देने वाले हैं तो दिस आई तो आप लोगों के ब्रेन उतने ग्रो हो चुके हैं कि हम ये चीज़ों को समझ पाएँ क्लीन फ्यूल है वो बाकी जनता के लिए हम जानते हैं कि वो उतने क्लीन नहीं है क्योंकि उन क्लीन फ्यूल को बनाने के लिए भी बहुत सारे अनक्लीन जॉब्स करने पड़े हैं राइट सो रिसर्च कंटिन्यूज इन दीज एरिया टू प्रोड्यूस लॉन्गर लास्टिंग डिवाइज दैट विल कॉस्ट लेस डैमेज डेमेज हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस सोर्सेस तो खत्म होते जा रहे हैं अगर आप फॉसिल फ्यूल की बात करो अगर आप बायोमास की बात करो लिमिटेड अनलिमिटेड पानी लिमिटेड है अनलिमिटेड है अगेन आई विल से कि एनर्जी के सोर्सेज रिन्यूएबल वो सोर्सेज हैं जैसे पानी आपको लगातार मिल रहा है हवा आपको लगातार मिल रही है तो आप इसको रिन्यूएबल कह रहे हो वही मैंने बात की रिन्यू renew, रिन्यूएबल क्यों कह रहे हो आप पानी को क्योंकि रिन्यू हो जा रहा है बहुत जल्दी जल्दी हमारे को दिखाई दे रहा है टाइम स्पेंड छोटा है जिसका टाइम स्पेंड बड़ा है उसको हमने नॉन रिन्यूएबल कहा जिसका टाइम स्पेंड छोटा है उसको हमने रिन्यूएबल कह दिया तो रिन्यूएबल एनर्जी इज अवेलेबल इन अवर नेचुरल इन्वायरमेंट इन द फॉर्म ऑफ सम कंटिन्यूइंगर्जी और इट इज़ स्टोर्ड इन लार्जर अमाउंट अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स दैट द रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ रिजर्वायर बिकॉज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजेबल एनर्जी इज प्रैक्टिकली नेग्लिजेबल मैंने आपको यही बात कही थी क्योंकि हम मेचोर लेवल पर बात कर रहे हैं नॉर्मल जनता के लिए उसे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल ही कहा जाएगा बट सिंस वी आर हैविंग आर मेच्योर ब्रेन्स तो हम जानते हैं कि जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है आज जिसको हम नॉन रिन्यूएबल कह रहे हैं वो भी अल्टीमेटली है तो रिन्यूएबल बट उसका टाइम स्पेड इतना ज़्यादा है जितना टाइम स्पेन हमारी स्पीशी का नहीं है उतनी देर में हमारी स्पीशी आके चली जाएगी ख़त्म हो जाएगी एक्सटिंक्ट हो जाएगी तब जाके वो रिन्यू होगा वो फॉसल फ्यूल इसलिए हमने उसको नॉन रिन्यूएबल कहा पानी जो है वो तो रिन्यू हो रहा है इसलिए हमने कहा क्योंकि वो हमारे लाइफ स्पेन में हमारी आंखों के सामने कुछ दिन में ही रिन्यू हो जाता है इसलिए हमने उसको रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल कहा सो दिस वाज द चैप्टर लास्ट पार्ट जो होगा थोड़ा सा फिलोसफिकल हो गया बट अल्टीमेटली दैट इज़ द रियलिटी जिस चीज़ को हम क्लीन कह रहे हैं वो भी उतनी क्लीन नहीं है जिस चीज़ को हम रिन्यूएबल कह रहे हैं वो भी नॉन रिन्यूएबल कर रहे हैं वो भी रिन्यूएबल और जो रिन्यूएबल है जिसको हम कह रहे हैं अल्टीमेटली वो भी नॉन रिन्यूएबल है सो दिस वॉज द चैप्टर दिस वॉज द साइंस चैप्टर क्लास टेन साइंस एंड सी इसमें जितना पोर्शन कवर किया गया था आई हैव ट्राइड टू कवर दैट much portion. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा एनर्जी किस तरीके से प्रोड्यूस होती है अल्टीमेटली जो भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं उससे हम अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही जनरेट कर रहे हैं और उसको ट्रांसमिशन लाइन्स के थ्रू ट्रांसमिट कर रहे हैं जो भी जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है अल्टीमेटली उसका एम क्या है एक टर्बाइन को घुमाना है और जनरेटर के थ्रू डायनोमो के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रपरेशन